अभी देखो इसराइल से लड़ाई चल रही है कौन पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है किसी की हिम्मत है कि पाकिस्तानी देखो न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं हैं उम्मत उम्मत चिल्लाते रहते कब कभ निकालोगे भाई निकाल अब मारो ना टाइम आ गया किसके लिए बनाए थे बनाए तो तुम इसराइल के लिए ही थे भारत तो बहाना था पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब भारत में नहीं मारेगा कभी नहीं मारेगा दिल्ली में मारेगा लाहौर गायब हो जाएगा वो दिल्ली में मारेगा क्या वो बम बनाया था इसराइल के लिए अब मारो सोचो डेली नरसंहार कर रहा है इसराइल डेली पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही और आज से तैयारी नहीं है इसराइल की पिछले 300 साल एकदम प्लानिंग करके चल रहे हैं। पूरी दुनिया पर उनका कब्जा है तुम क्या समझते हो भारत वगैरह उनके गुलाम नहीं है सब उनके गुलाम है एक कंट्री उनकी गुलामी से बाहर है चाइना यहूदियों की गुलामी से सिर्फ एक कंट्री अभी बाहर है वो है चाइना बाकी सब उनकी गुलाम है क्योंकि तो पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम उनके हाथ में है पूरी दुनिया का पैसा उनके हाथ में है अभी भारत वाले कहते हैं कि इसराइल से कि क्यों तुम यार बदतमीजी कर रहे हो वहां पे पैलेस्टीन लेबनान में अरे बोले रोक दो सारी फॉरेन एड भारत, भारत को रोक दो और ये पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा है और अरुणाचल चाइना का भारत वाले बदतमीज बहुत है दूसरे का जमीन कब्जा किए हुए <laughs> जब वो यूएन यूएन की नहीं सुनते लड़ना है दोस्त इसलिए डेली तैयारी किया करो डेली एयरगन ले लो पचास साठ शॉट डेली मार ही दिया करो उठ के सुबह सुबह तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं क्योंकि तो बेटा जिस दिन लड़ाई हुई ना सब तुमको हमारी याद बहुत आएगी मैं गुरु जी कहता था कि यार तैयारी करते रहो देखो रिस्ट्रिक्शन से तुम कुछ जब तुम ऐसे ऐसे सामान्य तौर पर देखो जो लड़के बहुत रिस्ट्रिक्शन में पले बढ़े वो एक समय तक लगता है कि बहुत सही जा रहे हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं एक लड़का जो फ्रीडम में पला बड़ा होता है वो कभी कभी लगता है कि यार बहुत बर्बाद हो रहा है लेकिन जो फ्रीडम में पला बड़ा होता है जब वो ट्रैक पर आता है तब स्काई इज द लिमिट क्योंकि उसके अंदर कुछ दमन नहीं होता नेचुरल ग्रोथ होती है उसकी और रिस्ट्रिक्शन वाला वो जब ओपन स्पेस पाता है जैसे बहुत सारे लड़के कानपुर से दिल्ली पढ़ने गए तो चूंकि यहां उनके पास फ्रीडम थी तो वहां उन्होंने फ्रीडम का लाभ नहीं उठाया उन्होंने पढ़ाई ही की लेकिन जो यहां से पढ़ने दिल्ली गया और पहली बार लिबर्टी मिली तो वह ही गए राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर इन्फ्यूज विद मेंटेलिटी ऑफ स्लेवरी, बेटा तुमको नौकरी करना ना हो पाएगा बना मार वार देंगे हो। नहीं हो पाएगा भैया वो है हाँ ही नहीं और फिर उसमें एक चीज और जोड़ दिया कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी इसी चक्कर में मुझे शादी करनी पड़ी इसे घर वालों को दिखाने के लिए कि देखो हो गई कर लिए तुम ही तो कह रहे थे कि नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी हो गया उस पर बवाल मचागी यार तुम ही लोग कह रहे थे नहीं होगी हो गई इतने मरे हुए थोड़ी हैं मैं तुम्हारी शादी हुई तुम्हारी पत्नी ने खाना बनाया और तुम ही से पूछा कैसा है और तुमने कहा कि ऐसा खाना तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता होगा और फिर तुम्हारी अम्मा खाने बैठी और तुम्हारी अम्मा ने कहा कि ऐसे मसाला डालते हैं इस तरह से ऐसे खाना बनाते हैं बेटा तब तुम्हें पहली बार पता है कि इसकी याद आएगी नाम की नॉन अलाइंड गुड निरपेक्षता याद आएगी तुमको और तब तुम अपनी मां से कहोगे कि जुखाम है हमको नमक मसाला पता ही नहीं चल पा रहा है